ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था, हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था कल। ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म है, ये इसको रन करते हैं एक बार। ओके ये हमारा रन हो गया। हमने एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन किया था कल ये, ठीक है। इस लॉगिन फॉर्म में यूजर भी लॉगिन कर सकता है और एडमिन भी, ठीक है। सपोज हमारा यूजर लॉगिन करना चाह रहा है तो हमने क्या किया था, यहाँ से जो भी आपका यूजर नेम है, सपोज वीके सिंह एट द रेट gmail.com और पासवर्ड हमारा abc एट द रेट 1234 था शायद, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिन पासवर्ड इसका मतलब गलत है। माई एसक्यूएल में चेक कर लेते हैं, माई एसक्यूएल सर, मुझे जो माई एसक्यूएल यूज करना है दूसरा माई एसक्यूएल यूज करना है, माई एसक्यूएल दिस वन मैंने लिखा रूट है ना, यूज प्लांट कार्ड्स के नाम से, ठीक है। यूज प्लांट कार्ड्स ये मेरा हो गया। हमारी जो टेबल थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, ये मेरी टेबल थी, इसमें पासवर्ड था abc123, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूजर डालता हूँ ईमेल आईडी और पासवर्ड abc1234, लॉगिन करता हूं। ओके यहाँ पर इसको आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी आपका वर्क करेगा, ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट से इसमें कोड लगा दूंगा कि आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ये कौन सा पेज खुल गया, यूजर वाला, कौन सा पेज खुल गया, यूजर वाला, ठीक है। ये वर्किंग कैसे चली इसको समझा देता हूँ एक बार, ये कल मैंने किया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियो बटन लिए दो, एक यूजर और एक एडमिन, यूजर और एक एडमिन, किसको लॉगिन करना है, यूजर को। अगर यूजर लॉगिन करेगा तो यूजर वाला पेज खुलेगा, अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन वाला पेज खुलेगा, ठीक है। हम यूजर सेलेक्ट करते हैं, यूजर ने अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाला, जैसे लॉगिन पे क्लिक किया आपकी रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, एक्शन में लॉगिन सर्वलेट पर जाएगी। ये आपका लॉगिन सर्वलेट है, यहां पर मैंने ये यूजर नेम पर्सन किसने लॉगिन किया, यूजर ने या पासवर्ड या एडमिन ने, उसको उस पर्सन को मैंने इसमें ले लिया। जो भी तुम्हारी ईमेल आईडी थी उसमें रिसीव कर ली, पासवर्ड को इसमें रिसीव कर लिया, ठीक है। इस लॉगिन और पासवर्ड को, ईमेल आईडी और पासवर्ड को मैंने कहां पर भेजा, चेक यूजर फंक्शन के अंदर। चेक यूजर फंक्शन कहां पर मिलेगा आपको, एक्शन में, हमने एक इसका एक्शन बना रखा है लॉगिन एक्शन का। अगर आप चेक यूजर फंक्शन कॉल कराओगे तो आपने जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड पास किए हैं, मैंने देखा कि सेलेक्ट, मैंने क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप वेयर ईमेल आईडी ये वाली ईमेल आईडी हो और पासवर्ड ये वाला पासवर्ड हो। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो इसका मतलब आपका यूजर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने रिटर्न करा दिया यहाँ पर बुलियन वैल्यू बी, बुलियन वैल्यू बी रिटर्न करा दी है ना। बी मतलब आरएस के अंदर अगर डेटा है, मतलब इस ईमेल आईडी और ये पासवर्ड है डेटाबेस में, तो रिजल्ट सेट हमें एक रो दे देगा। तो rs.next है, हम उस रो पे जाएंगे और बी की वैल्यू ट्रू कर देंगे। अगर डेटा नहीं है तो एल्स में जाएंगे, बी की वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। तो इस फंक्शन ने यहाँ पर बुलियन वैल्यू रिटर्न करी बी, ठीक है। अब हमने कंडीशन लगाई, अगर पर्सन हमारा यूजर है तो हम ये काम करेंगे, कौन सा, हम जाएंगे कौन से यूजर वाले पेज पर। अगर एल्स, अगर पर्सन हमारा क्या है, एडमिन है, तो यहां पर कोड लिखेंगे एडमिन वाला, ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके अब हम क्या करते हैं, यहां पर वर्किंग करते हैं एडमिन वाली। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, हम इस टेबल का नाम देते हैं एडमिन है ना, एडमिन, इसमें दे देते हैं एक एडमिन आईडी, एडमिन या ईमेल ही दे दो, वो भी अपनी ईमेल ऐसा कर सकता है, ईमेल इसको ले लेते हैं वेर कैर में, वेर कैर साइज ले लिया 50, प्राइमरी की, एक वेबसाइट के एक से ज्यादा एडमिन हो सकते हैं अगर आप बनाना चाहो तो। ईमेल पासवर्ड, पासवर्ड ले लिया मैंने वेर कैर में, वेर कैर में ले लिया साइज 50, ठीक है। ईमेल आईडी,
क्रिएट टेबल एडमिन ईमेल आईडी पासवर्ड ये ले लिया मैंने, ठीक है। दो ही एंट्री रखता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो उसमें कॉलम ऐड कर लूंगा मैं। ये मेरा ओके हो गया है ना, टेबल क्रिएटेड होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एंट्री कर लेते हैं इंसर्ट इनटू एडमिन वैल्यूज, वैल्यूज मैं एक यूजर ऐड करता हूं एडमिन में, मैं देता हूं एडमिन एट द रेट 123 और एक पासवर्ड रख देते हैं एडमिन एट द रेट 123। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैंने सेम रख दिए, ठीक है, एडमिन के लिए। बाद में समय में चेंज कर लूंगा। इंसर्ट करते हैं, ये हमारा आ गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, ठीक है। ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड आ गया है एडमिन एडमिन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर वर्किंग करनी है एडमिन की, ठीक है। देखो अगर हमारा यूजर, हमारा जो जिसने लॉगिन कर रहा है, जो पर्सन अगर हमारा यूजर है तो हम यूजर वाले पेज पर जाएंगे, एल्स अगर यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो हम लॉगिन वाले पेज पर दोबारा चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एल्स इफ अगर हमारा पर्सन एडमिन है तो हमें कौन से पेज पर जाना है, एडमिन वाले पर, ठीक है। कौन से पेज पर जाएंगे, एडमिन वाले पर। तो एडमिन वाले पर कैसे जाएंगे, हमें क्या करना है, इस डेटाबेस से पहले ये यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना है। अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड इक्वल है तभी हम एडमिन पर जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हमारा पर्सन एडमिन है तो हमने जो ये यूजर नेम और पासवर्ड और पर्सन यहां पर रिसीव किए, इनको एक्शन में जाओ, यहां पर जाओ लॉगिन एक्शन में। लॉगिन एक्शन में हमने एक चेक यूजर बनाया था, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं इसी के अंदर, यहां पर एक फंक्शन डिजाइन करते हैं पब्लिक बूलियन है ना, चेक एडमिन, चेक एडमिन, चेक एडमिन हम किससे चेक करेंगे, चेक एडमिन करेंगे हम स्ट्रिंग में ईमेल आईडी से, ईमेल आईडी पास करेंगे यहां पर, और एक स्ट्रिंग में हम पास करेंगे पासवर्ड, ठीक है। ये यूजर नेम और पासवर्ड हम पास करेंगे यहां पर। एक बूलियन बूलियन वेरिएबल ले लिया, बी बी की वैल्यू ले लिया स्टार्टिंग में फॉल्स, स्टार्टिंग में बी की वैल्यू मैंने फॉल्स ले ली। ट्राई कैच यूज करते हैं, ट्राई कैच, ट्राई कैच के अंदर यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, कनेक्शन की। तो कनेक्शन कैसे मिलेगा, यहां पर आपने जो कनेक्शन बना रखा है ये, इसको मैं यहां से कट करता हूं, ठीक है, इसको यहां से कट करता हूं, और इसको बार बार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बना लेते हैं, इस कनेक्शन को ले लेते हैं स्टेटिक, स्टेटिक स्टेटिक कनेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस स्टैटिक कनेक्शन हर जगह अवेलेबल रहेगा, इस कनेक्शन की हेल्प से सीएन डॉट आप लिखोगे क्रिएट प्रीपेड स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट मैंने क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सेमी कोलन आ गया, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ओके। उसके बाद हमें हमें जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू, ये हमारा हो गया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब पीएस की हेल्प से इन दो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेट करते हैं, कैसे, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ईमेल कर दी, ऐसे ही पीएस डॉट सेट आपका स्ट्रिंग, दूसरा इसकी वैल्यू कर दी मैंने पासवर्ड, दोनों वेरिएबल सेट कर दिए पीएस डॉट। अब एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल कराएंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, ये हमें रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट देगा, रिजल्ट सेट आरएस, ठीक है। आरएस के पास ये अगर डेटा आ गया फैच होके, मतलब जैसे आपने क्वेरी चलाई तो ये डेटा आ जाएगा किसके पास, रिजल्ट सेट के पास।
तो रिजल्ट सेट स्टार्टिंग में कहाँ है, यहाँ पर है रिजल्ट सेट यहाँ पर, ठीक है। इसके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है यहाँ पर। इस ईमेल आईडी अगर पासवर्ड आपको मिल गया तो इसका मतलब यूजर है, अगर नहीं मिला तो यूजर नॉट एग्जिस्ट। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, यहाँ पर इफ इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन कॉल कराया, नेक्स्ट फंक्शन कॉल कराते ही आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमने आर एस डॉट नेक्स्ट से क्या होगा, देखो आपने ये डेटा जो है ना, अभी आर एस जो पॉइंट कर रहा है यहां पर पॉइंट कर रहा है आर एस, ठीक है। आर एस के पास अगर डेटा है, जैसे आपने आर एस डॉट नेक्स्ट लिखा, आर एस डॉट नेक्स्ट लिखते ही रिजल्ट सेट का जो ये आर एस है ये यहां पर डाउन आ जाएगा, इस लाइन पर यहां पर आ जाएगा। उसके पास या तो रो होगी या नहीं होगी। अगर इसने रिटर्न कर दिया ट्रू तो उसका मतलब इसमें डेटा है, अगर नहीं है तो फॉल्स है, मतलब ये यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इफ आर एस डॉट नेक्स्ट की वैल्यू ट्रू है, मतलब डेटा है, तब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू क्या सेट करनी है, ट्रू सेट करनी है, ठीक है। एल्स, एल्स की वैसे जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, फॉल्स, बी की वैल्यू फॉल्स कर दी मैंने, और रिटर्न करा देते हैं यहां पर कैच ब्लॉक से बाहर, सॉरी ट्राई, ये आपका कैच ब्लॉक के बाहर रिटर्न बी, ये बी मैंने रिटर्न कराया, मेरे इस प्रोग्राम में सभी एरर दूर हो, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे, कौन से को, चेक एडमिन, और इसमें पास कर दोगे ईमेल आईडी और पासवर्ड, इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को हमने चेक किया डेटाबेस से, अगर डेटा सेलेक्ट हो गया आरएस के अंदर आ गया तो हम बी में कर देंगे ट्रू, अगर नहीं आया डेटा तो बी में कर देंगे हम फॉल्स। सिंपल, कितनी सिंपल कोडिंग है, इतना क्लियर है सभी को। अब इस फंक्शन को अगर आप चेक एडमिन को कॉल कराओगे, कहां पर, लॉगिन सर्वलेट्स है, एडमिन वाले पार्ट में, तो हमने क्या किया, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बना रखा एसी, यहां पर ये लॉगिन एक्शन का ऑब्जेक्ट बना रखा एसी डॉट, मैंने फंक्शन कॉल कराया चेक एडमिन और इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड पास कर दिया, ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, कोई बताएगा, ये फंक्शन चेक एडमिन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ देखो चेक एडमिन क्या रिटर्न कर रहा, बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू ट्रू कब होगी, जब आरएस में डेटा होगा, मतलब कौन सा डेटा, ईमेल आईडी और पासवर्ड होंगे, तभी ये आपका बी ट्रू हो जाएगा, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा हमारी, ठीक है। तो हमने समय बुलियन वैल्यू में ही इसको रिसीव कर लिया, बुलियन बी है ना, लेकिन इसको ट्राई कैच के अंदर लो तो ज्यादा बेटर है। एक मिनट, बी पहले ले रखा है, इसको ले लो बी वन, बी मैंने यहां ले रखा ना, ये बी वन ले लेता हूं। अब हमने चेक किया, इफ बी वन, हमने कंडीशन लगाई इफ बी वन इक्वल टू ट्रू है, तो उसका मतलब क्या है, वो यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है एडमिन का, तो हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, हम कौन से पेज पे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे एडमिन वाले पेज पे, एडमिन डॉट जेएसपी, कौन से पेज पे चले जाएंगे, एडमिन डॉट जेएसपी। अदरवाइज आपका अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत है, एल्स अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत है, तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट हम चले जाएंगे कौन से, एरर डॉट जेएसपी, कौन से पे, एरर डॉट जेएसपी। अब हमारा एडमिन वाला पेज कौन सा है, ये है एडमिन वाला, अभी इस पर कुछ है नहीं, इस पर लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो एडमिन, है ना, दो पेज हो गए, एक तो ये यूजर वाला, इस पर आएगा हेलो यूजर लिखा हुआ, अगर ये एडमिन वाला पेज है तो हेलो एडमिन, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और चेक करते हैं अपना कोड, पहले यूजर चेक कर लेते हैं, वीके सिंह एट द रेट ABC123, सॉरी ABC1234, लॉगिन किया, मैं कौन से पेज पर आ गया, हेलो यूजर, यूजर वाले पेज पर आ गया, देखो ऊपर, ठीक है। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब मैं सेलेक्ट करता हूं एडमिन, मेरा जो यूजर नेम है एडमिन एट द रेट 123, यही मेरा पासवर्ड है एडमिन एट द रेट 123,
अगर मेरा ये यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो मैं एडमिन वाले पेज पे जाऊंगा। ये कौन से पेज पे आ गया मैं? एडमिन वाले पेज पे आ गया मैं। अब हेलो एडमिन आ गया, तो यहां से आप यूजर वाले पे भी जा सकते हो और यहां से आप एडमिन वाले पे भी जा सकते हो। जिसको लॉगिन करना हो वो जा सकता है। क्लियर पॉइंट सभी को? समझ में आई कोडिंग ये? ओके, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं। देखो मैं यहां से होम पे गया, होम वाले पेज पे गया, ये मेरा होम पेज है। होम पेज पर मैंने यहां पर लिखा यूजर डॉट जे एस पी। क्या मैं यूजर वाला पेज खुल जाएगा आपका प्लांट कार्ड्स के अंदर यूजर डॉट जे एस पी, या लॉगिन से ही खुलेगा वो ये वाला पेज? बोलो यूजर डॉट जे एस पी किससे खुलेगा? चलो उसको ट्राई करते हैं। एंटर किया तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट खुल गया, ठीक है। और एडमिन डॉट जे एस पी एंटर किया, एडमिन वाला पेज भी डायरेक्ट खुल गया। क्या इस तरह से डायरेक्ट खुलना चाहिए या नहीं? बोलो इस तरह से डायरेक्ट खुलना चाहिए, लॉगिन पासवर्ड से ही खुले? अगर आप चाह रहे हो कि मैं लॉगिन से ही आपका पासवर्ड, आपका लॉगिन वाला पेज और एडमिन वाला पेज खुले, कोई डायरेक्टली ऐसे लिख के ना ओपन कर ले यूआरएल में, ठीक है। इस तरह की अगर आप वर्किंग चाह रहे हो तो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा सेशन का। मतलब सेशन आपका एक, हम सेशन क्रिएट करेंगे। सेशन से क्या होगा कि सेशन आईडी क्रिएट होगी, उस हर बार जब भी आप लॉगिन करोगे कि न्यू सेशन आईडी क्रिएट होगी, है ना। अगर वो सेशन आईडी अगर आपकी एक्सपायर होगी, ठीक है, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते दोबारा। लेकिन आपने जैसे ही सेशन आईडी क्रिएट करी, जैसे ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट हुआ, मतलब वो यूजर नेम और पासवर्ड आपने डेटाबेस से मैच किया, यस दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड विल मैच टू द डेटाबेस, अगर आपका मैच हो गया डेटाबेस से, तब आपको क्या करना है? सिंपली आपको तभी एक सेशन क्रिएट करना है ना। जब तक सेशन क्रिएट रहेगा तब तक आप इसे ओपन कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, लॉग आउट पे क्लिक करते ही आपका सेशन एक्सपायर कर देंगे। तो जैसे ही आपका सेशन एक्सपायर होगा, ठीक है, तो आप दोबारा लॉग इन नहीं कर सकते डायरेक्टली यूआरएल में लिख के एडमिन डॉट जी एस पी, यूजर डॉट जी एस पी, आपको लॉग इन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको यह भी पता लग जाता है कि लॉग इन इस टाइम किसने कर रखा है, एडमिन ने या यूजर ने। इसको हम देखते हैं। देखो हम आते हैं लॉग इन सर्वलेट पे। अब देखो यहां पर ये जो कोड है, ये जो इफ ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक है यूजर का। किसका ब्लॉक है? ये यूजर का है इफ ब्लॉक, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, ईमेल आईडी, यहां पर एक एचटीटीपी सेशन जनरेट करेंगे, समझ रहे हैं। एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बना के सेशन को सेट कर देंगे। ऐसे ही एडमिन के लिए एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे सेट कर देंगे। और उसे रिमूव कब करेंगे? जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन और लॉग आउट की वर्किंग देखते हैं डिटेल में, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर लिखना है एचटीटीपी सेशन, कुछ भी दे दो, आपने एचटीटीपी सेशन इसका नाम दे दिया सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट डॉट किसकी, गेट सेशन की। आपने एक रिक्वेस्ट करी किसकी, गेट सेशन की। इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, मैंने इंपोर्ट करा लिया। आपने एक रिक्वेस्ट करी गेट सेशन, एक सेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। सेशन आपका सेशन क्रिएट हो गया। अब इस सेशन के अंदर वैल्यू सेट कर दो। हमने लिखा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे दो। एट्रीब्यूट हम देते हैं ईमेल, ईमेल है ना। और यहां पर भी क्या नाम देते हैं, ईमेल, या यहां पर दे दो सेशन आईडी, इसका नाम दे दो सेशन आईडी। आपने एक सेशन आईडी क्रिएट करी, सेशन आईडी किससे होगी, ईमेल से। आपकी जो ईमेल है उसी को मैंने सेशन आईडी बोल दिया, ये आपकी एक सेशन आईडी क्रिएट होगी। सिंपली इन दोनों स्टेप्स को कॉपी करो। सिमिलरली आपको यहां पर एडमिन वाले पर भी क्या
किस एडमिन ने यूज किया, ये मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, मेरे सेशंस क्रिएट हो गए हैं, दो सेशन आईडी क्रिएट हो गई, एक सेशन आईडी ले ली, इसका नाम कुछ और रख लो, इसका नाम रख दो, इसका नाम रखते हैं यूजर सेशन आईडी, और इसका नाम रखते हैं एडमिन सेशन आईडी, एडमिन सेशन आईडी। हमने एक सेशन क्रिएट किया है ना, अब देखो हुआ क्या, हो क्या रहा है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट का नाम है सेशन, एक रेफरेंस वेरिएबल लिया सेशन। जैसे सिंपली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपने एक सेशन क्रिएट किया, इस सेशन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया यूजर सेशन आईडी, यूजर सेशन आईडी, इसकी वैल्यू क्या ले ली, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, ईमेल ले ली, वो एक हमने एक यूनिक बना दी है, ये सेशन क्रिएट हो गया। अगर आप सेशन को एक्सपायर करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट है आपने सेशन कैसे क्रिएट करते हैं। सेशन क्रिएट किया रिक्वेस्ट डॉट, आपने रिक्वेस्ट करी गेट सेशन, एक सेशन क्रिएट हो जाए, एक सेशन क्रिएट हो गया। अब उस सेशन के अंदर आपने वैल्यू सेट कर दी यूजर सेशन आईडी, उसकी वैल्यू दे दी ईमेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं यूजर वाले पेज पर। इस जो हमने सेशन यहां पर सेट किया, इस सेशन को वहां पर गेट करेंगे यहां पर एडमिन वाले पेज पर और यूजर वाले पेज पर। ये यूजर वाला पेज है, यहां पर गेट करेंगे सेशन को, और यहां पर हम क्या करेंगे एडमिन वाले पेज में, यहां पर भी सेशन गेट करेंगे, जो हमने कहां पर क्रिएट किया सर्वलेट पर हमने क्रिएट किया ये सेशन। इन दोनों सेशन को अब यहां पर क्रिएट करते हैं। देखो एल्स में हमने जो एल्स पार्ट है, इस एल्स पार्ट में आपका सेशन क्रिएट नहीं हो रहा, एल्स पार्ट में एल्स सेशन कब क्रिएट हो रहा, जब बी की वैल्यू ट्रू होगी, मतलब जो यूजर नेम और पासवर्ड आपका मैच हो जाएगा तभी हम सेशन आईडी क्रिएट करेंगे और सेशन एट्रीब्यूट सेट करेंगे। अब इनको हम कहां पर गेट करेंगे, यहां पर यूजर वाले पेज पर और एडमिन वाले पेज पर। ठीक है, तो अगर आपको एडमिन वाले पेज पर कोडिंग करनी है ना, अब हमें थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज करना पड़ेगा, सॉरी जेएसपी का कोड यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल के अंदर जावा की कोडिंग करनी है, तो हम यूज करेंगे एंगुलर ब्रैकेट स्टार, सॉरी परसेंटेज ये, और एंटर करेंगे इस एरिया के अंदर। अब आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हो, ये आपके स्क्रिप्ट लिए टैग्स हैं, ये टैग्स हैं जावा स्क्रिप्ट, सॉरी जावा जेएसपी टैग्स हैं, इन जेएसपी टैग्स का यूज करोगे आप यहाँ पर, स्क्रिप्ट लिए टैग्स हैं यहाँ पर जेएसपी टैग्स। ठीक है, अब इस ये कोडिंग किसकी है, ये कोडिंग है आपकी एचटीएमएल की, एचटीएमएल के अंदर आपको जावा की कोडिंग करनी है, तो आप ये लिखोगे। ठीक है, ये कोड लिखोगे। दूसरा, आपका पेज डॉट जेएसपी से सेव होना चाहिए, तभी आप ये कोड लिख पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा सुनो, अगर आपको एचटीएमएल के अंदर जावा का प्रोग्राम लिखना है, तो पहली कंडीशन क्या है, आपका पेज यूजर डॉट जेएसपी से सेव होना चाहिए, किस नाम से सेव होना चाहिए, यूजर डॉट जेएसपी से। दूसरा, आप जावा स्क्रिप्ट का जेएसपी का या जावा का कोड लिखने के लिए आप यूज करोगे जेएसपी टैग्स, जेएसपी टैग्स, इन टैग्स का यूज करेंगे, इन टैग्स के बीच में यहां पर आप जावा का कोड लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम क्या करेंगे, एच टी टी पी सेशन का फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट करी डॉट गेट सेशन, गेट सेशन। अब हमने जो सेशन क्रिएट किया इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, जैसे यहां पर क्लिक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इसमें जेएसपी के अंदर आप कैसे इसको इंपोर्ट कराओगे, ये इसका नाम कुछ और लग रहे थे, सेशन एस ई डबल एस एस रख देते हैं। ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब आपने जो एट्रीब्यूट यहां पर सेट करे थे किस नाम से सेट किया था, इस नाम से, इसको हम गेट करते हैं यहां पर यूजर वाले पेज पर। ठीक है, तो आप कैसे गेट करोगे, आप लिखोगे सेशन डॉट
गेट एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या था, ये एट्रीब्यूट मैंने गेट किया, और इसको किस में रिसीव कर लिया, इसको मैंने रिसीव कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में, किसमें कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग मेथड से। आपका ये जो भी, इससे हमें क्या मिलेगा कोई बताएगा, इससे हमें एक ईमेल आईडी मिलेगी, हमने क्यों मिलेगी ईमेल आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल आईडी सेट कर रखी है, इसकी वैल्यू हमने क्या सेट कर रखी है, ईमेल आईडी, और इस ईमेल आईडी को हमने कहां पर रिसीव किया, इस ईमेल आईडी को मैंने यहां पर रिसीव किया, किसके अंदर, यहां पर मैंने स्ट्रिंग के अंदर रिसीव किया ईमेल, ठीक है। या तो ईमेल की वैल्यू आपको मिलेगी या ईमेल की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, अगर आपका सेशन क्रिएट होगा तो इसमें ईमेल आईडी आ जाएगी, अगर सेशन क्रिएट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नल। तो मैंने यहां पर कंडीशन लगाई, इफ इफ ईमेल नॉट इक्वल टू नल के, अगर आपकी ईमेल आईडी क्या है, नॉट इक्वल टू नल के है, तो क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा, अगर आपका नॉट इक्वल टू नल है तब हम क्या करेंगे, बोलो, एक मिनट, ओके। यहां पर है ना, ये जो हमने स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी हम लेके चलते हैं नल, स्टार्टिंग में लेके चलते हैं नल, है ना, कट करते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहां पर हम चेक करेंगे सेशन को, यहां पर हम चेक करेंगे सेशन, अगर हमारा सेशन, ये जो सेशन है नॉट इक्वल टू नल है, मतलब हमने जो सेशन की रिक्वेस्ट करी, आपका अगर सेशन क्रिएट हो चुका होगा, सुनो ध्यान से, अगर आपका सेशन क्रिएट हो चुका होगा तो इस सेशन की वैल्यू, हमने जो दोबारा फिर गेट किया सेशन, है ना, ये सेशन वही सेशन है जो यहां पर आपने गेट किया था, पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बार सेशन क्रिएट होगा, समझ रहे, पूरे प्रोजेक्ट में और हर जगह अवेलेबल रहेगा। तो ये मैंने सेशन यहां पर क्रिएट किया था और इसको सेट किया, यहां पर मैंने इस सेशन को गेट किया, है ना, अगर इस सेशन की वैल्यू अगर एक बार ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपका सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम यहां पर गेट कर लेंगे इसको, अगर सेशन नहीं क्रिएटेड है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। हम मान के चले अगर सेशन की वैल्यू नॉट नल है, मतलब सेशन क्रिएटेड हो चुका हो कहां पर, सर्वलेट पे, तब हम यहां पर क्या करेंगे, इस ईमेल के अंदर ये जो हमारी स्टार्टिंग में नल थी, इस ईमेल में हम यहां गेट कर लेंगे, एल्स अगर ऐसा नहीं है, सेशन क्रिएटेड नहीं है तो हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट हम कर देंगे, कौन से वाले पेज पर, लॉगिन वाले पेज पर भेज देंगे उसे, कौन से पेज पर, लॉगिन डॉट जेएसपी, ये मेरी वर्किंग हुई, ठीक है, ये ईमेल आईडी में मैंने रिसीव कर लिया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस ईमेल आईडी को किसने लॉगिन किया, मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं उसको, एक H1 टैग लिया मैंने, लिखा वेलकम, सॉरी ये लिखेंगे हम इस स्क्रिप्टलेट टैग से बाहर, इन टैग से बाहर लिखेंगे यहां पर, क्योंकि इसके अंदर तो हमें जावा कोड लिखना है, व्हाइट एरिया, इस ग्रीन एरिया के अंदर, तो ये हमारी ईमेल आईडी यहां पर सेट हो गई है, ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी सेट होगी, और मैंने वेलकम कर दिया आपका ये। अब मैं लॉगिन करता हूं उसको, मैं उसको रिफ्रेश करता हूं, है ना। अब यहां पर पहले चेक करते हैं यूजर डॉट जेएसपी वाला पेज खुल रहा है कि नहीं, अब देखो यूजर डॉट जेएसपी वाला पेज आपका खुल नहीं रहा, इसने एरर दे दी, समझ रहे, इसने क्या दे दी आपकी, लाइन नंबर 16 में सर्वर पर, है ना, एरर है, मतलब आपको ईमेल आईडी नहीं मिली यहां पर, आप इसे अब डायरेक्ट नहीं खोल सकते, अब ये यूजर वाला जो पेज खुलेगा आपका डायरेक्टली, अब ये नहीं खुलेगा, अब ये खुलेगा सिर्फ लॉगिन से ही। अब इसको ट्राई करते हैं लॉगिन से, यूजर लॉगिन करना चाह रहा है, वीके सिंह, पासवर्ड आ गया हमारा ABC1234, लॉगिन करते हैं, ये देखो वेलकम वीके सिंह, ये आ गया, अब ये पेज खुल गया, क्लियर पॉइंट सभी को, यस या नो,
गुड। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये ईमेल आईडी बनाई हमने, एक बना लेते हैं यहां पर एंकर टैग ए एच आर ई एफ एच रेफरेंस, एक पेज बनाएंगे हम लॉग आउट का, लॉग आउट डॉट जेएसपी, मतलब यहां पर क्लिक करते ही आप लॉग आउट हो जाओगे, लॉग आउट। ठीक है, एक पेज बनाते हैं, यहां पर आते हैं आपके पेज पर, वेब पेजेस पर, न्यू जेएसपी पेज लिया, इसका नाम दे दो लॉग आउट दे दिया, फिनिश। तो एक लॉग आउट का पेज आ गया ये, है ना। इस लॉग आउट के पेज पर आपको लॉग आउट की कोडिंग करनी है। किसकी कोडिंग करेंगे हम, लॉग आउट की कोडिंग करेंगे, मतलब आपने जो सेशन क्रिएट किया था उसको अब हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करने पर कहां पर जाएंगे कोई बताएगा, रिमूव करने पर हम कहां पर जाएंगे। हमने यहां पर अगर आपको कोडिंग करनी है तो यहां पर स्क्रिप्ट लेट टैग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एचटीएमएल का कोड है, एचटीएमएल कोड के अंदर अगर आपको जावा की कोडिंग करनी है तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपने सेशन क्रिएट किया था, सेशन डॉट, हम करेंगे रिमूव सेशन, किस नाम से क्रिएट किया था, हम यहां पर सेशन रिमूव करेंगे, कौन से वाला, जो हमने यूजर आईडी वाला सेशन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम यूजर ये वाला रिमूव कर दिया, और कहां पर चले जाएंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, कौन से पेज पर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे इंडेक्स वाले पेज पर, इंडेक्स डॉट जेएसपी, फ्रंट पेज पर चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कोड, मतलब जब भी आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पर जाओगे, लॉग आउट डॉट जेएसपी, लॉग आउट जेट डॉट जेएसपी पर आ जाओ। यहां पर हमने क्या किया, सेशन को रिमूव कर दिया, कौन सा एट्रीब्यूट, यूजर सेशन आईडी, वो ये जैसे ही रिमूव होगा, रिमूव होते हम कहां चले जाएंगे, इंडेक्स डॉट जेएसपी वाले पेज पर। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हो लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं लॉग आउट करता हूं आप कौन से पेज पर आ गए, इंडेक्स डॉट जेएसपी वाले पर आ गए। अब मैं दोबारा यहां पर लिखता हूं यूजर डॉट जेएसपी, ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर कोई बताएगा, यस हाँ, इसको सेशन आईडी नहीं मिली, सेशन आईडी एक्सपायर होगी, समझ रहे हैं। क्रिएट कब कर रहे हैं हम सेशन आईडी, जब हम लॉगिन कर रहे हैं, यहां पर लॉगिन करेंगे तभी आपकी सेशन आईडी क्रिएट होगी, ABC 1 2 3 4 लॉगिन, ये किसने लॉगिन किया, वीके सिंह ने। ठीक है, डेटाबेस में देखते हैं और कौन यूजर हमारे पास, सचिन पवार के नाम से है, इसको भी हम लॉगिन करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, फिर दोबारा लॉगिन करते हैं, यूजर ये मेल आईडी डाली इसकी, इसका जो पासवर्ड है क्या है, sachin@123 हमने डाला, sachin@123 एंटर किया। अब देखो वेलकम किसे कर रहा है, सचिन पवार को। ठीक है, तो जो भी लॉगिन करेगा ये उसको दिखाएगा अब, और यहां पर हम डेटा भी उसी का दिखाएंगे, सचिन पवार वाला, लॉग आउट करते हैं, ये लॉग आउट हो गए, क्लियर पॉइंट सभी को। सिमिलरली अब हम करते हैं एडमिन के लिए, ऐसे ही एडमिन पे आ जाओ, हमने एडमिन के लिए भी, एडमिन के लिए सर्वलेट क्रिएट करी, और सॉरी सेशन क्रिएट किया, और सेशन में एडमिन सेशन आईडी हमने क्रिएट कर दी। अब आ जाओ एडमिन वाले पेज पर, अब एडमिन वाले पेज पर भी हम यूजर वाली कोडिंग करेंगे, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, ये पूरा कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और एडमिन वाले पेज पर यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं वेलकम मैसेज, हेलो एडमिन, और एडमिन का नाम आ जाएगा जो भी है। यहां पर सेशन आईडी कौन सी है, एडमिन सेशन आईडी, उसको गेट करते हैं, जो हमने यहां पर क्रिएट करी, किस नाम से है, एडमिन सेशन आईडी के नाम से, इसे कॉपी करता हूं और एडमिन सेशन आईडी यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ये हमने गेट करी या। ठीक है, अब लॉग आउट करने पर अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट करते हैं, यहां से लॉग आउट हो जाएगा ये, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके लिए भी चेक करते हैं, ये रिफ्रेश किया, सबसे पहले चेक करते हैं एडमिन वाला पेज डायरेक्ट खुल रहा क्या, एडमिन डॉट जेएसपी एंटर किया, इसमें भी एरर आ गई, एडमिन डॉट जेएसपी पे भी, यानी कि एडमिन वाला पेज कब खुलेगा, अब एडमिन वाला पेज खुलेगा अब लॉगिन से, यहां पर क्लिक किया एडमिन, और आपका आ गया यहाँ पर
एडमिन एट द रेट 123, एडमिन एट द रेट 123, लॉगिन किया, ये आ गया वेलकम एडमिन एडमिन 12 एट द रेट 123। जिसे भी अब लॉगिन करना है वो लॉगिन करेगा, यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट वर्किंग सेशन, कैसे क्रिएट करना है ना। सेशन देखो हमने कहां पर क्रिएट किया, हम ये लॉजिक समझो, हम सेशन वहां क्रिएट करेंगे जब आपका बी की वैल्यू ट्रू होगी। बी क्या है? चेक यूजर। चेक यूजर ने हमें जब बी की वैल्यू ट्रू दी, जब हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है, तब हमने सेशन क्रिएट करेंगे। रॉन्ग पासवर्ड पे क्रिएट नहीं होगा। देखो ये मैंने लिया यूजर, मैंने कुछ भी भर दिया, ये पासवर्ड ले लिया, ये क्या है? क्रिएट होगा। देखो इसी पेज पर रह जाएगा ये, देखो लॉगिन वाला, लॉगिन ही नहीं हुआ ना, कोई सेशन क्रिएट हुआ। चेक करते हैं सेशन क्रिएट हुआ कि नहीं, फिर चेक करते हैं यूजर डॉट जेएसपी, एंटर किया फिर एरर आ रही है, इसका मतलब सेशन क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड गलत था। हम सही यूजर नेम और पासवर्ड होने पर ही इफ के अंदर कंडीशन लगाई, इफ के अंदर सेशन क्रिएट किया। क्लियर है सभी को? यस या नो? देखो एक चीज और, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, आप जब भी कोई सेशन क्रिएट करोगे, सेट एट्रीब्यूट करोगे, अब ये जो सेशन आपने क्रिएट किया जिसका की क्या है, यूजर सेशन आईडी और वैल्यू क्या है, ईमेल, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ये एट्रीब्यूट होगा, इसकी वैल्यू होगी, ये एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू हर एक पेज पर आपको मिलेगी, हर एक पेज पर रिसीव कर सकते हो आप इसे, समझ रहे? हर एक पेज पर रिसीव कर सकते हो, ये आपको एडवांटेजेस होगी, है ना। जब लेकिन जैसे ही लॉग आउट करोगे, ये हर पेज से सेशन आईडी रिमूव हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर दिमाग में बिठा लो। आई विल रिपीट, सेशन जब भी आप क्रिएट करोगे, आपके हर एक पेज पर ही, जितनी भी है, इतने सारे पेज बना रखे हैं मैंने, इन हर एक पेज पर आप सेशन को गेट कर सकते हो अगर आपने सेशन क्रिएट कर रखा है। अगर सेशन एक्सपायर होगा तब आपको यहां पर सेशन नहीं मिलेगा इन पेजेस पर। क्लियर पॉइंट? ओके आज इतने रखते हैं।